घोषणा। 2 सितंबर को मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण दिवस। प्रकृति के संरक्षण के लिए नया कदम। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्य के लिए की गई घोषणा के बारे में, जो न केवल हमारे लिए बल्कि प्रकृति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित विशाल प्रकृति चारागाह होते हैं। ये घास के मैदान होते हैं जो आमतौर पर 8 से 10 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिमशिखरों की तलहटी में, जहां टिम्बर रेखा यानी कि पेड़ों की पंक्तियां खत्म होती है, वहां से बुग्याल शुरू हो जाते हैं। स्थानीय लोगों और मवेशियों के लिए ये चारागाह का काम करते हैं, तो बंजारों, घुमंतुओं और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए आराम की जगहें हैं। अब हम यहाँ बुग्यालों की बात क्यों कर रहे हैं, अब ये और भी खास क्यों हो गए हैं, आइए जानते हैं। 2 सितंबर को मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि हर वर्ष यानी कि 2 सितंबर को अब बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हिमालय हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारी जीवन रेखा भी। हमारी भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। बुग्यालों का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी भी है। ये एक कदम हिमालय संरक्षण के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में हिमालय संरक्षण सप्ताह की शुरुआत के दौरान कही। अब यूं कहें तो प्रतिवर्ष अब 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।